पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पैरों तले जमीन खिसक गई और भी गहरे जांच की संभावना है। वसूली निदेशालय ने पूर्व गृह मंत्री देशमुख की 4,20,00,000 रुपयों की संपत्ति जब्त की है। 100 करोड़ रुपयों की वसूली के मामले में ईडी द्वारा की गई यह पहली बड़ी कार्रवाई है। इस कार्रवाई से देशमुख के मुश्किलें और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जब्त की गई संपत्ति में देशमुख के मुंबई के एक फ्लैट उरन के पास कुछ जमीन और नागपुर में संपत्ति शामिल है।